श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तजनों, मैं हूँ सेवक प्रीति और लेके आई हूँ आज का नया वीडियो। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। हाँ तो भक्तजनों, आज का उपाय बहुत ही छोटा, बहुत ही सरल और बहुत आसान सा है, जिससे महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, ऐसा पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने स्वयं अपनी कथा में बताया है। इससे पहले कि हम कथा में आगे बढ़ें, हम आपको यही बता देते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूं और पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती हूं। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को देखते हुए एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दिया करें, ताकि मेरा मनोबल बना रहे। तो समय न व्यर्थ करते हुए चलिए चलते हैं आज के उपाय की तरफ। तो आपको क्या करना है इस उपाय के लिए, आपको एक बेलपत्र ले लेना है। जी हाँ, बिल्कुल प्यारा सा, सुंदर सा, कहीं सा भी कटा फिटा ना हो, एक बेलपत्र की आपको आवश्यकता है। अब आपको एक छोटी सी कटोरी में लाल चंदन ले लेना है, यह पिसी हुई भी आती है और चाहे तो आप पत्थर पे घिस के भी लाल चंदन ले सकते हैं। अब इन दोनों का आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो ये बेलपत्र है, आपकी इसकी डंडी को इस जगह से तोड़ लेना है, जी हाँ, और इसे फेंकना नहीं है। अब इसके पास जो घुला हुआ चंदन आपने रखा है, उस डंडी को उसमें भिंगो भिंगो के बेलपत्र के ऊपर 108 बिंदियाँ बनानी है। जी हाँ, कितनी बिंदियाँ बनानी है, 108 बिंदियाँ बेलपत्र के ऊपर बनानी हैं। देखिए मैंने चित्र भी लगा दिया, इस तरीके से 108 बिंदी आपको बेलपत्र पर लगा लेनी है। अब क्या करना है आपको, आपको शिवालय में जा कर के, मंदिर में जा कर के, जहाँ शिवलिंग है, अब जहाँ देखिए ये अशोक सुंदरी का स्थान है, आपको यहाँ पर रखना नहीं है, आपको यहाँ पर इस तरीके से छुआ देना है, ठीक है, ऐसे सीधे ही ऐसे छुआ देना है। अब इसके बाद जो ये कटी भाग है जहाँ माता पार्वती का हाथ है, वहाँ पर इस तरीके से छुआ देनी है। अब क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर, आपको शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से, जी हाँ, उल्टा करके आपको समर्पित कर देना है और ध्यान लगाकर हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। भोलेनाथ महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, मन में विश्वास रखें, बोलिए हर हर महादेव। कमेंट में नमः शिवाय लिखना न भूलें। तो आज का छोटा सा उपाय आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।